assessment for learning, assessment of learning, assessment as learning. These are the three concepts which are very much important for each and every teaching related or teacher's requirement or teacher eligibility related exams. So we need to understand these three concepts. What are the differences? What are the relationship between and within these three concepts? फर्स्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग की असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या है. असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑल्सो नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट ऑकर थ्रू आउट द लर्निंग जर्नी. इट्स प्राइमरीली पर्पस इज टू इन्फॉर्म एंड इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग. असेसमेंट फॉर लर्निंग एक तरह का असेसमेंट है लर्निंग का जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का जैसे हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट में ड्यूरिंग द प्रोसेस कंटिन्यूसली असेस करते हैं एक स्टूडेंट को और उसको फीडबैक देते हैं. उसी का जो वीकनेस है उसी का जो स्ट्रेंथ है उसी को बोलते हैं कि ये तुम्हारा अचीवमेंट है ये वाला फील्ड में तुम्हारा वीकनेस है. ये सब चीज जब हम लोग करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में ठीक सेम टू सेम चीज असेसमेंट फॉर लर्निंग में किया जाता है. This is a kind of assessment which we implement or introduce to learn. कि ये एक तरह का assessment है जो कि हम लोग implement करने के लिए learn करने के लिए ना कि हम लोग कोई एक student का जो achievement है उसी को assess करने के लिए. हाँ obviously ये तो assessment होता ही होता है उसी का achievement. लेकिन यहाँ जो हमारा main motto रहता है ऑब्जेक्टिव रहता है वो स्टूडेंट का लर्निंग ना कि हमारा उसका असेसमेंट. यह हम लोग स्टूडेंट कैसे लर्न कर पाए ओके असेसमेंट के थ्रू उसी को हम लोग ध्यान देते हैं. तो असेसमेंट फॉर लर्निंग एक तरह का असेसमेंट है जहाँ की स्टूडेंट लर्न करता है जिसी को कि हम लोग स्टूडेंट लर्न करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का जैसे होता है इसीलिए बहुत बार बोला जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट बोथ आर सेम. और ठीक फॉर्मेटिव असेसमेंट का जैसे ये भी ड्यूरिंग द प्रोसेस और ऑनगोइंग प्रोसेस में थ्रू आउट द लर्निंग जर्निंग क्या होता है इसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है. और इसी का जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है टू इन्फॉर्म एंड इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग. कि इंस्ट्रक्शन और लर्निंग में इम्प्रूव लाना और स्टूडेंट को इन्फॉर्म्स करना है इसी का मेन ऑब्जेक्टिव है. अगर इसी का की कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस एंड इंटीग्रेटेड इनटू द लर्निंग प्रोसेस. कि असेसमेंट फॉर लर्निंग ये एक कंटिन्यूस सीसीई में जैसे हम लोग बात करते हैं ठीक ऐसे ये हमारा क्या रहता है लर्निंग प्रोसेस में कंटिन्यूसली इसी को हम लोग देखते हैं. और उसी के साथ साथ इसी को हम लोग वो लर्निंग प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं. प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट. ठीक फॉर्मेटिव असेसमेंट के जैसे ये फीडबैक देता है बोथ टीचर एंड स्टूडेंट को. अगर कोई खामी है टीचर का इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर में और इंस्ट्रक्शनल मेथड में और मेथड ऑफ टीचिंग में तो ये तुरंत इसी के थ्रू टीचर सुधार लेता है और स्टूडेंट भी उसी का जो फीडबैक है उसी को देखकर क्या करता है उसी का जो लर्निंग स्टाइल उसी का जो लर्निंग है उसमें चेंजेस लाता है. और उसी के साथ साथ हेल्प्स टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट. और उसी के साथ साथ ये असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करता है ओके लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है. और उसी के साथ साथ कौन कौन सा एरिया में जो इम्प्रूवमेंट है उसी का नीड है उसी को भी फाइंड आउट करता है और वो गैप को भी हाईलाइट करता है. और उसी के साथ साथ ये इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस लेने के लिए भी हमको इन्फॉर्म करता है. और वो एडप्टिबिलिटी और एडप्टेशन जो करते हैं एडप्ट एक टीचर जो करता है उसी को भी करने के लिए ये हमको इन्फॉर्म करता है और फैसिलिटेट करता है. नेक्स्ट अगर इसका मेथड्स और टूल्स को अगर हम लोग देखें तो जो जनरली हम लोग जो यूज करते हैं क्वेश्चनिंग टेक्निक पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट ऑब्जर्वेशन एग्जिट टिकेट
concept map, diagnostic quizzes. These are the methods and tools which are using for assessing assessment for learning. कि ये सारे के सारे टूल्स है जिसको कि हम लोग लर्न करने के लिए क्या कर रहे हैं कि यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट अगर हम लोग दिखे तो इसी का बेनिफिट, तो इसी का जो बहुत सारे बेनिफिट है ऐसे, लेकिन हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 बेनिफिट है उसी को हम लोग दिखेंगे. पहला है एनहेंस स्टूडेंट एंगेजमेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन. असेसमेंट फॉर लर्निंग जब कर रहे हैं तब स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस कंटिन्यूसली थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहता है, एंगेज रहता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. और जब स्टूडेंट एंगेज रहता है वो मोटिवेट होता है और विद इंटरेस्ट वो एंगेज रहता है. दूसरा वाला चीज ये है प्रोमोट मेटाकॉग्निशन एंड सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग. और असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो मेटाकॉग्निशन को प्रोमोट करता है और उसी के साथ साथ सेल्फ रेगुलेटेड जो लर्निंग है वो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग को भी क्या करता है कि प्रोमोट करता है. और उसके साथ साथ अलाउज फॉर टाइमली इंटरवेंशन एंड सपोर्ट. और उसी के साथ साथ ये हमको फैसिलिटेट करता है कि टाइमली इंटरवेंशन देने के लिए हमको अलाउ करता है और उसके साथ साथ सपोर्ट भी करता है. और जो ग्रोथ माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट को भी ये असेसमेंट फॉर लर्निंग फोस्टर करता है और फैसिलिटेट करता है. अगर हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में इसी को देखे तो इसी का जो पर्पस रहता है टू गाइड टीचर्स इन एडजस्टिंग इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड फीडबैक टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग. इसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो एक टीचर को गाइड करना, उसका इंस्ट्रक्शन जो टीचिंग मेथड है उसी को एडजस्ट करने के लिए, और वो स्टूडेंट को प्रोवाइड फीडबैक प्रोवाइड करना उसी का जो लर्निंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए. अगर इसी का टाइमिंग का इम्प्लीमेंटेशन का टाइमिंग का बात करें तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं कि इसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं. अगर टूल्स एंड मेथड को हम लोग देखें जैसे कि पहले से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जर्वेशन क्विजेस क्वेश्चनिंग डिस्कशन पीयर रिव्यू एडजस्टिकेट, ये सारे के सारे हम लोग क्या करते हैं यहाँ यूज करते हैं. एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो क्लासरूम डिस्कशन लोस्ट टेक क्विजेस पीयर असेसमेंट ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग. अगर यहाँ टीचर का रोल को देखे तो टीचर का रोल होता है डायग्नोसिस लर्निंग नीड्स एडॉप्ट इंस्ट्रक्शन टू मीट नीड्स. कि पहले तो जो स्टूडेंट का जो नीड है वो क्या है उसको डायग्नाइज करना और उसी के हिसाब से वो उसका जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसको मॉडिफाई करना और जो एक्शनेबल्स फीडबैक है वो क्या करना प्रोवाइड करना. अगर स्टूडेंट का रोल को अगर यहाँ हम लोग देखें तो एंगेज इन लर्निंग रेस्पॉन्ड टू फीडबैक कि वो लर्निंग में एंगेज रहता है और टीचर जो फीडबैक देता है उसको रेस्पॉन्ड करता है और उसके साथ साथ उसका जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करता है. फीडबैक का अगर नेचर अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ स्टूडेंट को इमीडिएट स्पेसिफिक टारगेटेड फीडबैक मिलता है फ्रॉम टीचर्स. अगर इसी का जो इम्पैक्ट वो लर्निंग के ऊपर क्या है उसी को अगर हम लोग देखें तो ये हेल्प करता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसका जो स्ट्रेंथ और उसके साथ साथ जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ग्रोथ. ओके तो वो उसको क्या करता है फैसिलिटेट करता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग से अलग है. तो ये क्या है असेसमेंट ऑफ लर्निंग और समेटिव असेसमेंट इज टिपिकली कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द लर्निंग पीरियड टू इवैल्यूएट स्टूडेंट अचीवमेंट अगेंस्ट प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड और लर्निंग ऑब्जेक्टिव. कि देखिए कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है ये सिनोनिमस है समेटिव असेसमेंट के साथ और ये टिपिकली क्या होता है एट द एंड ऑफ आवर लर्निंग पीरियड हम लोग इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं और स्टूडेंट को जो अचीवमेंट स्टूडेंट का अचीवमेंट जो है उसी को हम लोग इवेलुएट करते हैं. और यहाँ और एक चीज है कि एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड रहता है, हो गया लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहता है उसी के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं और यहाँ हम लोग स्टूडेंट का जो लर्निंग है कितना दूर तक लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है, कितना दूर तक जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है उसी को अचीव किया गया है उसी को हम लोग एसेस करते हैं. अगर इसी का की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे तो यहाँ जो पहला आता है अगर एट प्री डिटरमाइन पॉइंट कि ये पहले से ही डिसाइड रहता है कि एट द एंड ऑफ ए यूनिट एट द एंड ऑफ ए सेमिस्टर और एट द एंड ऑफ ए ईयर वी विल इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ असेसमेंट. कि ये प्री डिफाइंड रहता है कि एक यूनिट खत्म होने के बाद हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एक
सेशन खत्म होने के बाद करेंगे, या एक सेमिस्टर खत्म होने के बाद करेंगे, या एक ईयर खत्म होने के बाद करेंगे, तो ये प्री डिफाइंड रहता है। उसके बाद मेजर द एक्सटेंट ऑफ लर्निंग दैट हैज टेकन प्लेस, और उसके साथ साथ यहाँ ये क्या करता है कि कितना जो लर्निंग ऑलरेडी हो चुका है, जो लर्न कर चुका है, उसी को ही क्या किया जाता है कि इस तरह का असेसमेंट में उसी को हम लोग एसेस करते हैं। और उसके साथ साथ ये जो आता है वो ज़्यादातर ग्रेड और स्कोर का फॉर्म में आता है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, यूज फॉर रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी पर्पसेस। इसी को हम लोग वो रिपोर्टिंग एक स्टूडेंट का जो अचीवमेंट है, उसका जो अचीवमेंट है, उसी को सिर्फ रिपोर्ट करने के लिए हम लोग इस तरह का असेसमेंट को यूज करते हैं, और अकाउंटेबिलिटी पर्पसेस के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि इसी को यूज करते हैं। अगर इसी का मेथड और टूल को अगर हम लोग देखें तो फाइनल एग्जाम, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एंड ऑफ यूनिट प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियोज, परफॉर्मेंस टास्क, कॉम्प्रिहेंसिव एसे, तो दिच आर द मेथड्स एंड टूल्स विच आर वी आर यूजिंग इन टू इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कि ये सारे के सारे मेथड है, टूल है, इसी को कि हम लोग क्या करते हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में यूज करते हैं। तो इसी का बेनिफिट को अगर हम लोग देखें तो ये हमको प्रोवाइड करता है एक क्लियर मेजर वो स्टूडेंट्स अचीवमेंट का बारे में, और उसके साथ साथ अलाउ फॉर कंपेरिजन, और उसके साथ साथ ये हमको फैसिलिटेट करता है स्टूडेंट का जो स्कोर आता है, अचीवमेंट होता है, उसी को उसका जो नॉर्म्स और जो उनका जो पीयर्स और उनका जो अलग स्टूडेंट जो होते हैं, ग्रुप जो होते हैं, उनके साथ कंपेयर करने के लिए। और उसके साथ साथ ये हमको इन्फॉर्म्स करता है किसके लिए, इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड सर्टिफिकेशन, और स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस है उसको उसका बारे में हमको इन्फॉर्म करता है, और उसके साथ साथ वो सर्टिफिकेशन भी करने के लिए हमको हेल्प करता है, और ये इवेलुएट करता है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है वो कितना दूर तक इफेक्टिव है, इसी को भी ये इवेलुएट करता है। अगर टेबुलर फॉर्म में इसी को समराइजली डिस्कस करें तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या है, टू इवेलुएट एंड क्लैरिफाई स्टूडेंट एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस। कि ये तो प्योरली रिपोर्टिंग पर्पस से यूज होता है, अकाउंटेबिलिटी के लिए यूज होता है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्री डिफाइंड जो ऑब्जेक्टिव रहता है, फ्री डिफाइंड जो स्टैंडर्ड रहता है, उसी को हम लोग कितना दूर तक अचीव किया है एक चाइल्ड, उसी को जानने के लिए ही इसको क्या करते हैं कि इवेलुएट करते हैं। अगर टाइमिंग का बात करें तो ये एट द एंड ऑफ ए यूनिट कोर्स और प्रोग्राम हम लोग इसको यूज करते हैं, और टूल्स और मेथड्स एग्जाम, प्रोजेक्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, परफॉर्मेंस असेसमेंट, ये सब इसमें हम लोग यूज करते हैं। और एग्जाम्पल्स अगर देखें तो ये फाइनल एग्जाम्स जो होता है एट द एंड ऑफ ए टर्म्स और प्रोजेक्ट, क्यूमुलेटिव असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज क्यूमुलेटिव असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये सारे के सारे सब असेसमेंट ऑफ लर्निंग और समेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल्स है। अगर यहाँ टीचर का रोल को हम लोग देखें तो ये टीचर यहाँ क्या करता है, एसेस ओवरऑल अचीवमेंट, हो गया कि एक स्टूडेंट का जो ओवरऑल अचीवमेंट है इसी को यहाँ ये एसेस करता है, और उसके साथ साथ ग्रेडिंग करता है, और जो स्टूडेंट का जो लर्निंग है उसी को समराइज करता है। अगर स्टूडेंट्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ स्टूडेंट क्या करता है कि वो असेसमेंट के लिए प्रिपेयर रहता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है उसका मास्टरी, और उसके साथ साथ वो रिजल्ट के ऊपर फोकस करता है। और यहाँ का अगर फीडबैक जो होता है, जो दिया जाता है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये एकदम कम्प्लीटली फॉर्मल रहता है, और ये न्यूमेरिकली हम लोग ज़्यादातर यहाँ फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, और न्यूमेरिकली लेटर बेस्ड में ग्रेड में, और उसके साथ साथ सबमिटिव ज़्यादातर होता है। अगर इसी का इम्पैक्ट जो है इसी को हम लोग देखें तो ये एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है हमारा अचीवमेंट के, अचीवमेंट को लेकर कितना दूर तक हम लोग कुछ क्या अचीव किए हैं, और उसी के साथ साथ इसी को लेकर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट असेसमेंट आज लर्निंग, ये कंसेप्ट जो है ये भी एकदम नया है और वो दूसरे से अलग है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग फोकस ऑन डेवलपिंग स्टूडेंट कैपेसिटी टू बी क्रिटिकल असेसर ऑफ देयर ओन लर्निंग, फोस्टरिंग मेटाकॉग्निशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। जब हम लोग एक स्टूडेंट जब हम लोग खुद को एसेस करने के बारे में बोल रहे हैं, एक स्टूडेंट जब खुद को एसेस कर रहा है तब उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, असेसमेंट एज लर्निंग बोल रहे हैं। और यहाँ ये जो असेसमेंट टेक्निक है और असेसमेंट एज लर्निंग जो है वो स्टूडेंट का जो मेटाकॉग्निशन है, सेल्फ रेगुलेशन जो है उसी को फोस्टर करता है, उसी को एनहांस करता है, और स्टूडेंट का जो जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज है उसी को भी इम्प्रूव करता है।
अगर इसी का की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो ये एम्फसाइज करता है स्टूडेंट का रिफ्लेक्शन और सेल्फ असेसमेंट को लेकर, और उसके साथ साथ ये डेवलप करता है स्टूडेंट का एबिलिटी टू मोनिटर एंड डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग, कि ये एक तरह का एबिलिटी स्टूडेंट के अंदर डेवलप करता है ताकि वो क्या कर सके कि खुद का जो लर्निंग है उसी को डायरेक्ट कर सकते, और उसके साथ साथ ये एनकरेज करता है उसका जो गोल सेटिंग के लिए, और खुद क्या कर सकता है कि यहाँ जो उसका जो प्रोग्रेस है उसी को ट्रैक करने के लिए, और यहाँ ये प्रमोट करता है एक डीपर अंडरस्टैंडिंग फॉर लर्निंग प्रोसेस। ये असेसमेंट आज लर्निंग के थ्रू एक स्टूडेंट क्या कर सकता है कि एक डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकता है कोई भी लर्निंग प्रोसेस में। अगर इसका टूल कवर में हम लोग देखिए तो रिफ्लेक्शन जर्नल, रिफ्लेक्टिव जर्नल जिसको बोलते हैं खुद, तो यहाँ लिखना पड़ता है उसको, जब स्टूडेंट पढ़ता है दिखता है तो वो मेटाकॉग्निशन, क्रिटिकल थिंकिंग ये सब डेवलप होता है, लर्निंग लॉग्स, सेल्फ असेसमेंट रूब्रिक्स, गोल सेटिंग एक्टिविटीज, पीयर फीडबैक सेशन, मेटाकॉग्निटिव डिस्कशन, दिस आर द मेथड्स एंड टूल्स व्हिच आर यूज्ड इन असेसमेंट आज लर्निंग। अगर इसी का बेनिफिट के बारे में हम लोग देखें तो ये स्टूडेंट का जो ओनरशिप है लर्निंग में उसको ये इंक्रीज करता है, और वो दूसरे वाला जो असेसमेंट में लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्टूडेंट का जो शेयर है वो एकदम कम रहता है, लेकिन असेसमेंट आज लर्निंग जब हो रहा है तो यहाँ जो स्टूडेंट का जो ओनरशिप है वो एकदम बढ़ जाता है। उसके बाद डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग स्किल, और जब एक स्टूडेंट खुद का जो लर्निंग है खुद को एसेस कर पा रहा है तो उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल स्किल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ ये असेसमेंट के थ्रू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो ये क्या करता है असेसमेंट आज लर्निंग प्रिपेयर करता है, और एनहांस स्टूडेंट एबिलिटी टू ट्रांसफर नॉलेज एंड स्किल, और उसके साथ साथ ये जो है वो स्टूडेंट का जो एबिलिटी को एनहांस करता है और उसका जो नॉलेज है और स्किल है उसको ट्रांसफर भी करता है। अगर इसको टेबुलर फॉर्म में हम लोग डिस्कशन करें, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है टू डेवलप स्टूडेंट सेल्फ रेगुलेशन, मेटाकॉग्निटिव स्किल एंड ओनरशिप इन ऑफ लर्निंग, ये जो तीन मेन पर्पस है, ये स्टूडेंट का जो सेल्फ रेगुलेशन है, मेटाकॉग्निटिव स्किल है, ओनरशिप है, इसी को सिर्फ डेवलप करना, इसी को इंक्रीज करना, एनहांस करना ही क्या है इसका मेन पर्पसेस। और टाइमिंग का अगर बात करें, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि थ्रू आउट द लर्निंग से ये चलता है, और ऑफ्टन स्टूडेंट्स इनिशिएटेड, और ये सारे सब हर वक्त क्या होता है कि स्टूडेंट का इनिशिएटिव से ही ये होता है, ना कि कोई टीचर यहाँ इन्फॉर्म करना पड़ता है कि अब सेल्फ असेसमेंट करो, असेसमेंट आज लर्निंग अब से स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टूडेंट यहाँ खुद इनिशिएटिव लेता है कि नहीं मैं कितना दूर तक लर्न किया हूँ, मेरा क्या चल रहा है, ओके, तो उसी को वो खुद इंट्रोस्पेक्ट करता है। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट में रिफ्लेक्टिव जर्नल, चेकलिस्ट, पीयर असेसमेंट, रूब्रिक्स, ये सब कुछ हम लोग को आज टूल एंड मेथड हम लोग यूज करते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो लर्निंग जर्नल, स्कोर सेटिंग, पीयर सेल्फ असेसमेंट रिव्यू, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग चार्ट, ये सब हम लोग क्या करते हैं इसी का एग्जाम्पल का जैसे देखते हैं। यहाँ जो टीचर का रोल रहता है वो सेल्फ असेसमेंट, रिफ्लेक्शन सपोर्ट हो गया, और उसके साथ साथ गोल सेटिंग, रिफ्लेक्शन सपोर्ट, गोल सेटिंग, रिफ्लेक्शन फैसिलिटेट, मेटाकॉग्निशन, ये इसी में स्टूडेंट को हेल्प करना। और स्टूडेंट का जो रोल रहता है यहाँ टेक्स एन एक्टिव रोल इन लर्निंग, यहाँ ये इस तरह का असेसमेंट में, इस तरह का लर्निंग में स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन वो बहुत ही एक्टिव रहता है। यहाँ वो खुद खुद का गोल सेट करता है, खुद का जो लर्निंग है, प्रोग्रेस है, उसी को खुद मॉनिटर करता है, और वो लर्निंग को जो प्रोग्रेस है उसी को दिख करके वो क्या करता है फिर रिफ्लेक्ट करता है और डिसीजन लेता है। अगर फीडबैक का अगर हम लोग यहाँ देखिए तो जो फीडबैक होता है वो रिफ्लेक्टिव इन नेचर होता है, ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, और जो सेल्फ रेगुलेशन है उसी को भी ये सपोर्ट करता है। अगर इसी का जो इम्पैक्ट वो लर्निंग में अगर दिखे तो ये डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर लर्निंग जो है उसी को एनहांस करता है, प्रमोट करता है क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, और उसके साथ साथ ऑटोनोमी को ये प्रमोट करता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल जो है उसी को भी ये प्रमोट करता है। अगर हम लोग ये इंटीग्रेशन के बारे में देखिए, ये तीनों तरह का असेसमेंट को, तो क्या होता है देखिए, व्हाइल ईच अप्रोच टू असेसमेंट हैज इट्स डिस्टिंक्ट फोकस, दे आर मोस्ट इफेक्टिव व्हाइल व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन।
कि देखिए हर एक जो असेसमेंट है, वो चाहे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट आज लर्निंग, उनका खुद का कुछ ऑब्जेक्टिव है, पर्पसेस है। लेकिन जब हम तीनों से तीनों असेसमेंट को कोई एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तब वो क्या बन जाता है, बहुत ही इफेक्टिव बन रहा है। अगर कहाँ सिर्फ हम लोग असेसमेंट आज लर्निंग कर रहे हैं, या कहाँ असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हैं, क्या असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर रहे हैं, तो वो थोड़ा कम इफेक्टिव होता है। लेकिन जब हम लोग साइमल्टेनियसली तीनों से तीनों असेसमेंट को एक बैलेंस्ड वे में हम लोग यूज करते हैं, तब वो बहुत ही इफेक्टिव बन जाता है। अगर हम लोग देखें, यूज असेसमेंट फॉर लर्निंग टू गाइड डे टू डे इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक। अगर हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग को देखिए, तो वो डे टू डे जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ जो ऑनगोइंग प्रोसेस में जो फीडबैक चाहिए होता है, और फीडबैक ये प्रोवाइड करता है। और इम्प्लीमेंट असेसमेंट आज लर्निंग स्ट्रेटेजी डेवलप स्टूडेंट मेटाकॉग्निशन। हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं कि ये असेसमेंट आज लर्निंग जो है वो क्या करता है कि स्टूडेंट में का जो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स है उसको एनहांस करता है, सेल्फ रेगुलेशन को एनहांस करता है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का बात करें तो इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो ओवरऑल असेसमेंट है, ओके, कि कोई एजुकेशनल डिसीजंस लेने के लिए एट द एंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आई हैव वन रिक्वेस्ट, यू आर सब्सक्राइबिंग और नॉट, इट डज नॉट मैटर फॉर मी। जस्ट इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस वीडियोज और इंफॉर्मेशन स्पेशली आर गुड रिलिवेंट फॉर यू, प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।